व्हाट इज अ फाइनल अदर शेयर, तो फ्रैंकली बोल रहे हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लेट में शूट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ टाइम देखें तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक, और इसका एक ही कारण है कि हम ट्रैवल करने वाले वापस से, और उसका एक्साइटमेंट में हम ये वीडियो बनाना भूल गए थे। तो जैसे कि हम अपने बेड पे गए सोने के लिए, तो हमको याद है कि हम कुछ भूल रहे हैं, तो ये रहा वीडियो। और हाँ, हम आप लोगों के कमेंट्स कर पड़े तो, और आई एम रियली सॉरी कि हम कुछ दिन से आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बस उस दिन का बात है, उसके बाद हम वापस से आप लोग सब और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे पहले थे। तो चलो, बहुत ज़्यादा सारे दिन ज़्यादा किए हम लोग जो बात करें हम लोग कार्ड के बारे में कुछ दिनों से, तो आज हम लोग कार्ड्स के बारे में कुछ और भी ज़्यादा बात कर देंगे, जो कि वेटरन्स को और न्यू प्लेयर्स को ज़्यादा करके, खासकर न्यू प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो भी एज यूजुअल। तो अगर लोग सेट कार्ड की बात करें, हम लोग कुछ दिनों से बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हम लोग पास भर भर के सेट कार्ड पड़े हुए हैं। तो हम लोग तो गोल्ड कार्ड के बारे में बात कर चुके हैं, कौन सबसे ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा एकदम वर्स्ट है, उन लोग के सारे उसको चेकआउट कर लो अगर नहीं देखे हो तो। और अभी अगर हम बात कर ले कि सेड कार्ड क्या होते, क्योंकि हो भी सकता है कि कुछ प्लेयर्स एकदम डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हो, तो गाइस पहले से थोड़ा सब इसको वापस देख लो, हम इसको एकदम शॉर्ट बताएंगे। देखो सेट कार्ड मतलब क्या, सेट मतलब क्या, कुछ चीज़ें साथ में लेते हैं तो एक बार काम करते हैं सेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो ये टीम कार्ड में देखते हो कि ये लोग एक ही कैरेक्टर बना हुआ रहता है, अलग अलग आर्टवर्क भी रहता है, और ये तीन अलग अलग कार्ड एक एक स्लॉट में लॉक हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ सेट कार्ड करते हैं, जहाँ पे कार्ड मुझे पूरा सेट ले लेंगे तो मुझे बोनस कुछ भी मिलता है। तो ये होते हैं सेट कार्ड्स। और जैसा कि हम लोग बेस्ट गोल्ड और वर्स्ट गोल्ड के बारे में बात कर लिए थे, और कल ही की वीडियो में वर्स्ट फेस्ट कार्ड्स के बारे में बात कर लिए थे, तो आज हम लोग स्ट्रिक्टली बात करेंगे हम लोग अपने बेस्ट फेस्ट कार्ड्स के बारे में, और फेस्ट कार्ड्स नहीं और भी स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो हम लोग बात करेंगे बेस्ट सेट कार्ड्स के बारे में, ठीक, वो भी जो है फेस्ट हम लोग के। तो अगर नंबर वन पे अगर हमको लाना हो तो वो ऑब्वियस आप लोगों को पता ही होगा, आकने सेट, ठीक है, हैंड्स डाउन कि बहुत सारी जगह हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर दिलाता है, स्पेशली हम लोग गिल्ड रेड में, क्योंकि गिल्ड रेड में इससे बेटर सेट अगर हम यूनिवर्सली सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, मतलब आप लोग किसी को दे दो और उन काम कर लेगा, तो ये वही सेट है। अब ये सेट इसलिए क्योंकि ये हम लोग को अटैक तो देता ही है, हम लोग को अब यहाँ गौर करो तो हम लोग को यहाँ 21% का अटैक मिल रहा है, फिर एक्स्ट्रा 12% मतलब हम लोग 33% सिर्फ अटैक रख चुके हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है 31 एक्स्ट्रा डैमेज 150% ऑफ अटैक, इतना अटैक इंक्रीज के बाद भी हम लोग पास 31 के हम लोग एक्चुअली लैंड किया 150% एक्स्ट्रा डैमेज लैंड कर देंगे हम लोग, ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाता है। और आखिरी में अगर आप लीग मैच या फिर एब्सोल्यूट वॉर या फिर आप चैंपियनशिप खेलते हो तो आप लोगों को तो ये तो बहुत ज़्यादा फायदा देता रहता है कि आप लोगों के 1 HP पर आप लोगों को 2 सेकंड की इम्यूनिटी मिल जाता है। हाँ, ये कोल्डन बनी 45 सेकंड्स है, मगर एक ही मैच तो रहता है, ठीक, तो उसमें आप लोग इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छे से उठा सकते हो। ये भी सेट काफ़ी ज़्यादा कमबैक सेट की तरह काम कर जाता है। और उसके बाद हम और हाँ, ये सेट हम लोग के यूनाइटेड में हमेशा मौजूद है। हम सबसे पहले कवर करेंगे यूनाइटेड में से जो कार्ड मौजूद है उनको, उसके बाद हम कुछ एक्सक्लूसिव कार्ड बात करेंगे, तो उसके लिए आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और फिर हम लोग पास दूसरा सेट मतलब लिया सेट, इसके बारे हम क्या ही बोले, कैंसर सेट है, ठीक, मतलब चैंपियनशिप तो एकदम बर्बाद कर दिया वाला सेट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पास अटैक तो मिल ही रहा है, फिर हम लोग को यहाँ एक्स्ट्रा अटैक फिर मिल रहा है, मगर यहाँ पर सबसे इसको मतलब बेस्ट ऑफ वर्स्ट इसका यही है कि हम लोग 30% कि हम लोग सारे एक्टिव स्किल्स रीसेट हो जाएंगे। और अब समझ लो, मतलब आप लोग एक बार सेट इस्तेमाल किए, मतलब अपने कोई भी स्किल इस्तेमाल किए, तीनों स्किल इस्तेमाल किए, आखिरी स्किल पर रिसेट हुआ, तीनों वापस इस्तेमाल कर दोगे, मतलब क्या ही चाहिए। और ये सेट हम लोग इमॉर्टल डंजन्स में, उसके बाद आप लोग कोई पीवीई गेम मोड खेलते हो, जो स्टोरी मोड हो गया, हम लोग एपिक क्वेस्ट हो गया, और भी हम लोग जैसे मेकास बैटल हो गया, वहाँ पे हम लोग को अपने बार को जल्दी फिलअप करना है, तो वो सब जगह पे काफ़ी अब बढ़िया सेट आता है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। फिर हम लोग सेरिना सेट, और सेरिना सेट देखो ये ना सबसे बढ़िया हम लोग काम करते हैं, हम लोग नॉर्मल टैग इन टैग आउट करते रहते धड़ाधड़ और उस हिसाब का हम लोग का एक ही गेम मोड है, वो हम लोग का मेका स्पाइडर। अब देखो हम ये इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है पहले इसको कवर कर चुके हैं, फिर भी कर देते हैं एक बार और, ठीक है। तो हम लोग को 721% का अटैक मिल रहा है, फिर 30% एक्स्ट्रा अटैक, अब हम देख लो कि हम लोग को अटैक 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 के बाद फिर 30% का एक्स्ट्रा अटैक वापस मिल रहा है, तो यही चीज़ है जो इन लोगों को बहुत बढ़िया बताती है। क्योंकि देखो आप लोग अटैक बढ़ा के बोले हो कि भाई अटैक ही बढ़ा के क्या हो रहा है, अरे अटैक बढ़ा से आप लोगों का डैमेज इंक्रीज हो गई, मगर आप लोग जो भी आपके डॉट इफेक्ट्स अप्लाई करते हो, बर्न हो गया, चिल हो गया, ब्लीड हो गया, शॉक हो गया, डार्कनेस हो गया, स्टार लाइट हो गया, वेनम हो गया, पॉइजन हो गया, नहीं वेनम पॉइजन तो एक ही है ना, नहीं अंतर है में भी अगर आप लोग बोलोगे कि, तो हम डॉट इफेक्ट के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, तो आप लोग उसके लिए जरूर नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। और फिर आप लोग यहाँ देखो हम लोग पास क्या है, हम लोग पास अटैक एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है 15% या 10 सेकंड्स के लिए, और हम लोग पावर गेन भी करते हैं जब भी हम लोग टैग इन करते हैं,
किसी कैरेक्टर आपने अलग सेट दे दिए हो उसको आप लोग टैगिन की ये सब इफेक्ट्स तो होंगे ही और फिर आप लोग अटैक फिर 15% बढ़ जाएगा। मतलब आप लोग इन टोटल देखो कितना परसेंट अटैक है 21+13 हम लोग का 34 प्लस 15 हम लोग का मतलब स्ट्रेट है 49% का डैमेज अटैक इंक्रीज हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं 50% का अटैक हम लोग का इंक्रीज हो ही रहा है। फिर पावर गेन भी अलग तो ये चीज़ भी इसको बहुत बढ़िया बनाता है। और इसी सिमिलर सेट हम लोग पास अभी हम लोग का जस्ट आया हुआ है रश डंजन में भी है वो हम लोग का ये वाला सेट ये भी उसी जैसे है बस इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाए हुए हैं तो आप लोग बस शॉर्ट में बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिलिंगर सेट वो क्या अटैक और पावर गेन दोनों एक साथ लेकर उधर से थे एक ही कैरेक्टर को जिसको हम लोग दिए हुए हैं मगर यहाँ पर ये था जब भी हम लोग टैग इन करेंगे तो हम लोग 15% पावर गेन करेंगे मगर जब भी हम लोग उसके बाद अगले किसी कैरेक्टर टैग इन करेंगे तो उसका अटैक हम लोग 30% बढ़ जाएगा। ठीक है यही डिफरेंस है सेरेना और उसके बीच में। अब यहाँ हम लोग कुछ की बात कर लेते हैं जो सेट कार्ड्स हमेशा मौजूद नहीं रहते हैं। ठीक जिसमें हम लोग का सबसे पहला चिजुरू सेट चिजुरू सेट मतलब काया सेट का बाप है। ठीक एक हिसाब से ये तो चिजुरू एक लड़की है तो हम लोग बोलते हैं माँ है मगर अपने तो बाप ही बोलते हैं तो मतलब छोड़ो इस बार फिर माँ बोल देते हैं इसको। ठीक है तो चिजुरू सेट बहुत बढ़िया सेट है मतलब आप लोग यहाँ देखो अब लोग 21% बेस डिफेंस इंक्रीज मिला फिर उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा डिफेंस इंक्रीज मिल रहा है मतलब टोटल आप लोग 46% का डिफेंस अपना इंक्रीज कर दियो और सोचो डिफेंस इंक्रीज करने से आपकी सर्वाइवेबिलिटी कितना बढ़ जाता है। और उसके बाद हम लोग पास यहाँ पे अटैक इंक्रीज होता है 50% ऑफ डिफेंस मतलब मान लो आपका डिफेंस है 100 ठीक है और आपका अटैक है 20 तो 50% ऑफ 100 कितना हुआ 50 + 20 = 70 आपका अटैक बढ़े तो सोचो हम लोग का कितना ज़्यादा फायदा दिला रहा है ये हम लोग को राउंडेड बफ दिला रहा है। और उसके रुको जरा और देखो इंक्रीज अटैक बाय 20% फॉर 5 सेकंड डिफेंस इफेक्ट लैंड्स एंड एक्टिव स्किल तो हम लोग डिफेंस इफेक्ट के लिए बेस्ट सेट हमें हिसाब से बोल सकते हैं। अब कुछ कुछ कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिव हम लोग का बीएस नेमलेस सेट के साथ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। और भी कुछ कुछ कार्ड्स जो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप लोग एकदम स्ट्रिक्टली इन्हीं को फॉलो करना है। और इसके हम लोग पास ये वाला सेट हम लोग का एसएस सेट ये भी काफ़ी बढ़िया सेट है इसको हम चैंपियनशिप खेलते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं ये बैक एंड या फिर जितनी भी एसएस सेट है उनको देने के लिए क्योंकि ये सेट हम लोग का ब्लास्ट स्किल डैमेज बहुत अच्छा बढ़ा देता है तो आप लोगों के पास अगर ऐसे चिजुरू है तो हम इसको देखेंगे उसका डैमेज अच्छा खासा इंक्रीज़ कर सकते हो। और फिर हम लोग पास यहाँ कोई सेट है ये सेट तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था मगर उतना भी ज़्यादा खास नहीं लगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड फाइटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसको खास करके हमारा सोल और डिजी क्योंकि वो लोग चील और बर्न एक्सप्लोजन करते हैं और हम लोग यहाँ यहाँ 75% वो इंक्रीज हो जाता है तो ये भी काफ़ी बढ़िया सेट है आप लोगों को अगर कभी मिलता है तो हम लोग इसको चेकआउट करना। फिर एक टू सेट है जिसको अभी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एक नहीं दो सेट है तो और मगर क्या कर सकते हैं ये दोनों सेट बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। ठीक है अब शायद ये वापस आप लोगों को नहीं मिलेंगे तो ये हम लोग का डोवा सेट और गेट डोवा को लैब कैरेक्टर्स हम देते हैं। और जैसा कि हम बहुत बार बोले कि क्रिटिकल रेट जहाँ आप लोगों का सीपी भैरा टेक में इंक्रीज होगा वहाँ तो यहाँ पर 7% क्रिटिकल रेट है फिर इतने सारे इफेक्ट्स हैं। अब जिनका डोवा कोलैब कैरेक्टर्स नहीं है फिर डोवा कोलैब हम मिस कर दिए तो यार उतना सोचो मत आगे आने वाले कोलैब और ज़्यादा तो पावरफुल होंगे। ठीक है इसलिए दुखी होने कोई जरूरत नहीं है। और मेरा यहाँ पे गिल्टी गियर सेट और ये मेरे पास 3 है और उस समय जो लोग मेरे वीडियो देखे उन लोगों को पता होगा उसके पीछे कितना परेशान थे और ये सेम टू सेम डोवा सेट की तरह ही है तो इसीलिए हम इस पर ज़्यादा समय ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को पास अभी तक गिल्टी गियर के सेट नहीं होंगे या फिर लोग गिल्टी गियर का कोलैब मिस कर दिए होंगे तो उन लोगों को ज़्यादा टेंशन बिना दिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और देखो जिन लोग भी कोलैब सेट्स पार कर चुके हो या फिर कोलैब कैरेक्टर्स भी पूरी तरह मिस कर चुके हो तो चिंता मत करो और भी कोलैब्स आएंगे आगे में और वो लोग और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे तो इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो अगर कुछ मिस आउट कर चुके हो तो। और फिर यहाँ पे हम लोग गोल्ड गेन कार्ड है अगर ये तो बस हम गोल्ड के लिए रखे हैं तो इसके लिए इससे ज़्यादा हम लोग उससे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर एक तो यहाँ पे एक सेट हम छूट रहे हैं मेरे से हाँ ये है हम लोग इकारी सेट ये सेट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है मतलब हम बहुत लोगों को देखें बहुत भयानक टाइप का अपना डैमेज इंक्रीज करते हैं लोगों को तो इसके लिए भी आप लोग ऑप्ट आउट कर सकते हो अगर आप लोग कभी मौका मिलता है उसको पाने के लिए क्योंकि हम लोग का एक बीएस सेट है तो बीएस बैनर हम लोग के वापस रोटेशन में आते रहते हैं तो इसलिए आप लोग को इन्हें पाने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर कभी आता है तो। और प्रॉब्लम ज़्यादा है एज यूजल हम लोग रेट्स तो कितना अच्छा चल रहा है तो सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो आप लोग एक समय करोगे 9 आप लोगों को एक ही बार मिल जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला मगर फिर भी देखो फार्मिंग करके रखो अभी हम फार्मिंग कर ही रहे हैं और उड़ती उड़ती चिड़िया ने खबर दी है कोलैब कर रहे हैं कोई चीज़ तो उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो गाइस मिलते हैं वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग टेक केयर गुड बाय।